दोस्तों, देश में कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के मकसद से साल 1954 में फिल्म फेयर पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत हुई। सबसे पहले सिनेमा से जुड़े पांच विभिन्न क्षेत्रों, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार देने की शुरुआत की गई। साल 1955 में दो फील्ड्स और बढ़ा दी गई, जिनमें सहायक अभिनेता और सहायक अभिनेत्री को भी पुरस्कार दिए जाने का फैसला लिया गया। साल 1959 में सर्वश्रेष्ठ गीतकार को भी इसमें शामिल कर लिया गया। दोस्तों, क्या आपको पता है देश का पहला गीतकार कौन है जिसे सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था? और क्या आपको पता है कौन गीतकार है जिसे अब तक सबसे ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड हासिल हुए? तो चलिए दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम आपको अब तक फिल्म फेयर अवार्ड हासिल करने वाले गीतकारों और उनके गीतों से रूबरू कराते हैं। दोस्तों नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं हमारा खास एपिसोड सिने फंडा विद अली। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सिनेमा जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, साल 1958 में एक फिल्म आई थी यहूदी। सावक वाचा द्वारा निर्मित इस फिल्म की कहानी लिखी थी वजाहत मिर्जा ने और फिल्म का निर्देशन किया था विमल राय ने। दिलीप कुमार और मीना कुमारी अभिनीत इस फिल्म के सभी गीत सुपर डुपर हिट हुए थे, लेकिन फिल्म का ये गीत बहुत ही मकबूल हुआ था। दोस्तों, इस गीत को लिखा था गीतकार शैलेंद्र। साल 1959 में शैलेंद्र को इस गीत के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। शैलेंद्र देश के पहले गीतकार थे जिन्हें सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए पहला फिल्म फेयर पुरस्कार हासिल हुआ था। साल 1959 में एक और फिल्म आई अनाड़ी। इस फिल्म का ये गीत जबरदस्त हिट हुआ था। इस गीत को उस साल का सर्वश्रेष्ठ गीत घोषित किया गया था। दोस्तों, ये गीत भी शैलेंद्र का लिखा था, लिहाजा साल 60 में शैलेंद्र को दूसरी बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। साल 61, 62 और 63 में बेहतरीन गीतों के लिए शकील बनायूनी को फिल्म फेयर अवार्ड दिए गए। दोस्तों, शकील बनायूनी एक ऐसे कलाकार हैं जिन्हें एक के बाद एक तीन बार लगातार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ गीतकार के लिए गुलजार को अब तक सबसे ज्यादा 14 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। उनके बाद जावेद अख्तर हैं जिन्हें 8 बार और फिर आनंद बख्शी, समीर और प्रसून जोशी हैं जिन्हें 4-4 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुके हैं। फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली पहली महिला रश्मि सिंह हैं, जिन्हें साल 2015 में फिल्म सिटी लाइट्स के लिए मुस्कराने की वजह गीत के लिए सम्मान हासिल हुआ था। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज का सफर बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई थीम के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।